दोस्तों इस केप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है और इसकी वैल्यू को 0.15 कर देना है। अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करना है और स्केल को अप्लाई कर देना है। टैब प्रेस करके दोस्तों हमें एडिट मोड में आ जाना है और यहाँ पर आना है एज सिलेक्शन में, उसको चूज़ कर लेना है और इस सभी एज को हमें सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा के रखनी है, ओके। कंट्रोल बी प्रेस करना है और स्केल करना है। उसके बाद दोस्तों माउस की जो व्हील बटन है इसको 3 से 4 बार रोटेट करना है। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है। यहाँ पर जाना है मॉडिफायर में, एड मॉडिफायर और बीवीएल को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0.2 कर देनी है और सिगमेंट को कर देना है 5। एंगल पर जाना है और यहाँ पर इसको हम 15 कर देंगे। अब दोस्तों वापस से एड मॉडिफायर में जाना है, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर में जाना है, वी पोर्ट को 2 कर देना है। वापस एड मॉडिफायर में जाएंगे और एरे मॉडिफायर को चूज कर लेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे और यहाँ पर 1। काउंट को कर देना है दोस्तों हमें 10 और इसको सेट स्मूथ कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों, एड में जाना है, एम्प्टी में जाना है और स्फीयर को चूज कर लेना है और इसको स्केल करना है, ओके। कंट्रोल ए प्रेस करना है और स्केल को अप्लाई कर देना है। ऑब्जेक्ट को चूज करना है, यहाँ पर आ जाना है ऑब्जेक्ट ऑफसेट में, इसको पिक करना है और इस एम्प्टी को चूज कर लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोपेडिक पे आ जाना है, एड में जाना है, मेस में जाना है और एक प्लेन चूज करना है और इसको स्केल करना है। ग्रेप करना है जेड एक्सिस पर, उसको यहाँ लाके सेट कर देना है। टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाना है और ये वाले एज को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड करना है जेड एक्सिस पर। अब दोस्तों करना क्या है, हमें इसको सिलेक्ट करना है, एड मॉडिफायर में जाना है और यहाँ पर हमें विजुअल को चूज कर लेना है और इस सेगमेंट को हमें 5 कर देना है। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है, उसको सेट स्मूथ कर देना है। अब दोस्तों इसमें हम मटेरियल ऐड करेंगे, सो हम इसमें जाते हैं, यहाँ जाएंगे मटेरियल्स में, न्यू पर क्लिक करेंगे, बेस कलर को हम इसको ये रख देंगे और इसको हम ब्लू करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। इसको मैं यहाँ पर इसको इतना कर देता हूँ और रफनेस को कर दूंगा 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वापस इसमें आ जाना है और इसमें हमें एनिमेशन ऐड करना है, सो हम करेंगे क्या, 1 की फ्रेम है और हम इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर रोटेशन पर यहाँ माउस की जो कर्सर है रखेंगे और उसको आई प्रेस करके इस की फ्रेम को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 250 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, जेड में जाना है और इसकी वैल्यू को 270 कर देना है, आई प्रेस करना है और इसको की फ्रेम ऐड कर देना है। नाउ अब हम इसको प्ले करके देखना है। यहाँ पर आ जाना है रेंडर व्यूपोर्ट में और सेंस लाइट है और यहाँ सेंस वर्ल्ड है, तो सेंस वर्ल्ड को हमें अनचेक कर देना है। यहाँ पर जाना है और इसको चूज कर लेना है और स्ट्रेंथ को कर देना है। एनिमेशन रेडी हो गया है। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।